Today our topic is epistasis. Epistasis can be defined as where gene at one locus suppress or mask the effect of another gene present at another locus. एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर लेता है या मास्क कर लेता है, लेकिन एक जीन जो दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर रहा है वो दूसरा जीन दूसरे लोकस के ऊपर लगा हुआ है। एक जीन एक लोकस एक पोजीशन के ऊपर लगा है, दूसरा जीन दूसरी पोजीशन के ऊपर लगा है। ये दो जीन्स जो दो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर लगे हैं, इनमें से एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है या दूसरे जीन को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा। ये जो हमारे पास जो दो जीन्स के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है और दोनों जीन्स डिफरेंट लोकस के ऊपर मौजूद हैं, इस इंटरेक्शन को एपिस्टेसिस कहलाता है। एपिस्टेसिस बेसिकली एग्जांपल है नॉन एलेलिक इंटरेक्शन की। असल में हमारे पास हमने मोस्ट कॉमनली डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स के बारे में पढ़ लिया, या हमारे पास जो कहना कुछ कंडीशन में को डोमिनेंस होती है या कुछ कंडीशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। उसमें होता ये कि एक ही जीन के एलील होते हैं, एक ही लोकस के ऊपर मौजूद होते हैं, एक एलील जो कहना दूसरी एलील को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा, तो वो बेसिकली हमारे पास जो डोमिनेंस है या को डोमिनेंस है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो एलेलिक इंटरेक्शन। यहाँ पर हमारे पास एक ही जीन के एलील इंटरेक्ट नहीं करते, डिफरेंट जीन्स के एलील के दरमियान इंटरेक्शन होती है। एक जीन के एलील एक जगह के ऊपर लगे, दूसरे जीन के एलील दूसरी लोकस के ऊपर दूसरी पोजीशन के ऊपर लगे, वो जो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर एलील लगे हैं वो एक दूसरे को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहे, उसके दरमियान इंटरेक्शन हो रही है, तो इसी वजह से इसको नॉन एलेलिक इंटरेक्शन भी बोला जाता है। एपिस्टेसिस में एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं एपिस्टेटिक या इनहिबिटिंग जीन। एपिस्टेटिक या इनहिबिटिंग जीन कौन सा होता है? द जीन दैट सप्रेस आर मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, वो जीन जो दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को रोक रहा है या वो जीन जो दूसरे जीन को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा, उस जीन को एपिस्टेटिक या इनहिबिटिंग जीन बोला जाता है। एक दूसरा जीन होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोस्टेटिक जीन, द जीन विच इज सप्रेस्ड, वो जीन जो सप्रेस हो गया या वो जीन जिसकी एक्सप्रेशन दूसरे जीन ने रोक ली, उस जीन को हाइपोस्टेटिक जीन कहलाता है। कहते हैं जो जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक रहा है या सप्रेस कर रहा है वो जीन एपिस्टेटिक, और जो जीन सप्रेस हो जाए वो जीन क्या कहलाता है? हाइपोस्टेटिक जीन कहलाता है। एक डायग्राम दिखाई गई है, दो क्रोमोसोम्स हैं, इसके ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम है, ऊपर जीन ए और ए, नीचे हमारे पास जो कहना जीन बी लगा है। अब अगर हमारे पास जो कैपिटल बी स्मॉल बी को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा, तो ये जो हमारे पास जो इंटरेक्शन होगी ये एलेलिक इंटरेक्शन ही होगी या इसको हम डोमिनेंस बोलेंगे। लेकिन अगर इस तरह हो रहा है कि जीन बी एक लोकस के ऊपर लगा है, वो जीन ए को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा, जीन बी एक लोकस के ऊपर लगा है, जीन ए दूसरे लोकस के ऊपर लगा है, अब अगर जीन बी जीन ए के एक्सप्रेशन को रोक रहा है या उसकी एक्सप्रेशन या उसकी इफेक्ट को मास्क कर रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास एपिस्टेसिस होगी। इसमें जीन बी ए की एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, तो जीन बी एपिस्टेटिक जीन होगा, और हमारे पास जीन ए जो है वो सप्रेस हो रहा है या उसकी एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है, तो जीन ए इस केस में क्या कौन सा जीन होगा? हाइपोस्टेटिक जीन होगा। एपिस्टेसिस की हम एग्जांपल लेंगे, और इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कोट कलर इन लेब्राडोर रिट्रीवर। हमारे जो कहना डॉग और इसका जो कोट कलर है, इसका जो फर कलर है, लेब्राडोर के अंदर बेसिकली थ्री किस्म के कोट कलर होते हैं, एक होता है येलो, दूसरा होता है ब्लैक और तीसरा होता है चॉकलेट। ये लेब्राडोर तीन किस्म के कोट कलर में पाया जाता है, येलो ब्लैक और चॉकलेट। इसमें ये जो तीन किस्म के कोट कलर लेब्राडोर के अंदर पैदा हो रहे हैं, इसका जेनेटिक्स क्या है, कौन से जीन इन कलर को पैदा कर रहे हैं? इसमें हमारे पास जो एक जीन है वो जीन बी, जीन बी का जो डोमिनेंट एलील है जिसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ब्लैक कोट कलर पैदा करता है, और इसी जीन का जो रिसेसिव एलील है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से, वो क्या पैदा कर रहा है? चॉकलेट कोट कलर पैदा करता है। तो जो जीन बी है वो बेसिकली हमारे पास ब्लैक और चॉकलेट कलर के लिए,
जीन बी का डोमिनेंट एलील ब्लैक कलर और जीन बी का रिसेसिव एलील चॉकलेट कलर पैदा करता है। हमारे पास जो जीनोटाइप है कैपिटल बी, दोनों अगर आ गए कैपिटल बी और स्मॉल बी, दोनों केस में ब्लैक कोट कलर पैदा होगा। लेकिन अगर हमारे पास जीनोटाइप दोनों स्मॉल बी आ गए तो हमारे पास जो कहना चॉकलेट कोट कलर जो कहना कैपिटल बी या डोमिनेंट एलील आ गए, डोमिनेंट एलील अगर हेटरोजाइगस में बी आ गए तब भी ब्लैक कोट कलर पैदा होगा, अगर हमारे पास रिसेसिव एलील आ गए तो चॉकलेट कलर पैदा होगा। तो दो ब्लैक और चॉकलेट कलर तो इस तरह पैदा होते हैं। अब येलो कोट कलर किस तरह पैदा होता है? हमारे पास जो येलो कोट कलर पैदा करने वाला जो जीन है वो हमारे पास जो कहना दूसरा जीन है और वो दूसरे लोकस दूसरी पोजीशन के ऊपर लगा है। हमारे पास जो येलो कलर पैदा करने वाला जीन है उसके जो रिसेसिव एलील हैं वो बेसिकली एपिस्टेटिक है। एपिस्टेटिक से क्या मुराद है? हमारे पास उस जीन के जो रिसेसिव एलील है वो किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर लेता है, हाइड कर लेता है। अब ये जो रिसेसिव एलील है येलो जीन के वो किसके लिए एपिस्टेटिक है, किसके एक्सप्रेशन को रोकता है? वो हमारे पास जीन बी की एक्सप्रेशन को रोकता है। हमारे पास येलो जीन जो है जो येलो कोट कलर पैदा करता है वो जो जीन है वो दूसरे लोकस के ऊपर लगा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। उस जीन के जो रिसेसिव एलील है वो एपिस्टेटिक रोल प्ले करते हैं। एपिस्टेटिक उसको बोला जाता है जो दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर ले, रोक ले। तो वो जो रिसेसिव एलील है वो हमारे पास जो कहना एपिस्टेटिक है कौन सी जीन के लिए, हमारे पास जो ब्लैक या चॉकलेट कलर पैदा करने वाला जीन है उसके लिए एपिस्टेटिक है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी लेब्राडोर के अंदर अगर रिसेसिव एलील डबल ई दोनों जो कहना स्मॉल ई आ गए तो उसके अंदर ख्वाह हेटरोजाइगस डोमिनेंट बी जीन है या हमारे पास जो कहना रिसेसिव बी जीन है, दोनों केस में जो कहना एक्सप्रेस वो नहीं होंगे। अच्छा, हमारे पास जो रिसेसिव जो येलो जीन के रिसेसिव एलील है वो एपिस्टेटिक है और ये कम्प्लीटली इनएक्टिवेट कर लेते हैं ब्लैक या चॉकलेट जीन को। हमारे पास जब रिसेसिव हमारे पास जो कहना एलील आएंगे इस जीन के तो हमारे पास जो कहना वो ब्लैक या चॉकलेट जीन को कम्प्लीटली इनएक्टिवेट कर लेंगे और इसकी इनएक्टिवेशन की वजह से येलो कोट कलर पैदा हो जाएगा। अगर हमारे पास जो येलो जीन है येलो कोट पैदा करने वाला जीन है अगर रिसेसिव आ गए तो वो हमारे पास जो कहना ब्लैक या चॉकलेट जीन को इनएक्टिवेट कर लेगा, येलो कलर पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो उस जीन के डोमिनेंट एलील आ गए तो वो जो कहना चॉकलेट और ब्लैक जीन को इनएक्टिवेट नहीं कर सकता तो तब जाके चॉकलेट या ब्लैक कलर पैदा होगा। अगर हमारे पास जो कहना उस जीन के डोमिनेंट या हेटरोजाइगस में आ गया तो ब्लैक पैदा होगा, अगर उस हमारे पास जीन के हमारे पास रिसेसिव आ गए तो हमारे पास चॉकलेट कलर पैदा होगा। तो देखिए बच्चे जो येलो कोट कलर है वो कब पैदा होगा, वो तब पैदा होगा अगर हमारे पास जो येलो जीन है, यहाँ पर देखें ये जीनोटाइप दिया गया कैपिटल बी स्मॉल बी और वहाँ से हमारे उसके साथ जो कहना दो स्मॉल ई दिए गए, बिल्कुल इसी तरह कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल ई, इसी तरह दो हमारे पास जो कहना रिसेसिव बी बी और दो, देखें हमारे पास कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी ये तो ब्लैक कलर पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ब्लैक कलर क्यों नहीं पैदा कर रहा, ये जो येलो जीन है इसके रिसेसिव एलील है इसको एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा, तो कोट कलर क्या पैदा हो रहा है, येलो पैदा हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह स्मॉल बी ये बेसिकली चॉकलेट कलर के लिए, लेकिन यहाँ पर चॉकलेट कलर वो नहीं पैदा कर रहा, येलो कोट कलर पैदा कर रहा है। वो क्यों पैदा कर रहा है? क्योंकि हमारे पास जो रिसेसिव ई और ई रिसेसिव एलील जो आए हुए हैं वो जो कहना ये स्मॉल बी और स्मॉल बी इसको एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से कोट कलर क्या बन रहा है, कोट कलर हमारे पास जो कहना येलो बन रहा है। ब्लैक कोट कलर तब पैदा होगा अगर हमारे पास ब्लैक जीन के डोमिनेंट एलील आ जाए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो हमारे पास जो कहना ब्लैक कोट कलर पैदा होगा, लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर येलो जीन के भी डोमिनेंट आ जाए, दोनों डोमिनेंट या एक रिसेसिव आ जाए, तो तब जो कहना बाब कोट कलर क्या पैदा होगा, ब्लैक। हमने जो येलो कोट कलर में देखा जो हमारे पास जो येलो जीन के रिसेसिव एलील है वो तो ना ब्लैक के डोमिनेंट एलील को एक्सप्रेस होने दे रहा है ना ब्लैक के रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस होने दे रहा, लेकिन हमारे पास जो येलो जीन के हमारे पास जब डोमिनेंट दोनों डोमिनेंट या एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील आ जाए
तो इस केस में फिर क्या हो जाता है, इस केस में ये हो जाता है कि हमारे पास ये जो ब्लैक जीन के डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, ब्लैक कोट कलर पैदा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह चॉकलेट कोट कलर उस वक्त पैदा होता है अगर हमारे पास येलो जीन के डोमिनेंट एलील होमोजाइगस या हेटरोजाइगस कंडीशन में आ जाए तो स्मॉल बी एक्सप्रेस हो जाएगा और हमारे पास चॉकलेट कोट कलर पैदा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर देख, यहाँ पर हमारे पास ब्लैक कोट कलर कैपिटल बी, दोनों कैपिटल बी आ गए, डोमिनेंट एलील आ गए या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एलील आ गया, लेकिन शर्त यह है कि येलो जीन का एक या दोनों डोमिनेंट एलील आएंगे तो ब्लैक पैदा होगा। बिल्कुल इसी तरह जो चॉकलेट कलर है वो तब पैदा होगा अगर हमारे पास जो कहना चॉकलेट जीन के दो रिसेसिव एलील आए और दूसरी शर्त यह है कि येलो जीन का भी डोमिनेंट एलील मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें येलो कोट कलर उस वक्त पैदा हो रहा है जब हमारे पास ये जो येलो जीन के रिसेसिव एलील आ गए, येलो जीन के रिसेसिव एलील आ गए, हमारे पास जो ब्लैक या चॉकलेट जीन के जो भी एलील आ जाए, ख्वा वो ब्लैक वाले आ जाए ख्वा वो चॉकलेट वाले आए, लेकिन अगर हमारे पास येलो जीन के रिसेसिव एलील आ गए तो वो दोनों को एपिस्टेटिक करवा लेगा, दोनों की एक्सप्रेशन को रोक लेगा और स्किन कलर क्या बनेगा, स्किन कलर येलो बनेगा। हमारे पास इस तरह का रास करवाया गया कि ब्लैक लेब्राडोर जो होमोजाइगस है हमारे पास जो कहना सारे एलील्स के लिए सारे जीन के लिए उसको क्रॉस करवाया गया येलो पार्टनर के साथ, वो भी हमारे पास रिसेसिव एलील के लिए होमोजाइगस है, तो इससे हमारे पास जो कहना ब्लैक कोट कलर वाले ऑफस्प्रिंग पैदा हो गए और वो क्या थे, हेटरोजाइगस में थे। इनको जब आपस में क्रॉस करवाया गया, इन हेटरोजाइगस ब्लैक को जब आपस में क्रॉस करवाया गया तो हमारे पास जो कहना F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन में ब्लैक चॉकलेट और येलो 9:3:4 से जो कहना क्या हो गए, पैदा हो गए। ये जो 9:3:4 जो हमारे पास आ गया ये बेसिकली एपिस्टेसिस की वजह से आ गया। वैसे यहाँ पर हमने दो जीन लिए हुए हैं, दोनों जीन के हमारे पास यूँ समझ लें कि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस होता, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 में जो रेशो आता है 9:3:1 आता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास ब्लैक चॉकलेट और येलो आ गए और वो 9:3:4 से आ गए, तो ये रेशो क्यों आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस से, ये रेशो किस वजह से आया, ये रेशो हमारे पास आया एपिस्टेसिस की वजह से। इस क्रॉस को हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पास ब्लैक लेब्राडोर को येलो, ब्लैक के अंदर सारे डोमिनेंट ख्वा वो ब्लैक जीन के ख्वा वो येलो जीन के सारे डोमिनेंट एलील है और येलो के अंदर सारे रिसेसिव है, तो इसने गिमीट बना लिए, गिमीट आपस में जब मिलते हैं तो इस समय पर ब्लैक बनता है, लेकिन ब्लैक लेब्राडोर जो बन रहे होते हैं हेटरोजाइगस की वजह से बने, तो F1 आ गया, F1 में तमाम ब्लैक कोट कलर आ गया। F1 को हम क्रॉस करते हैं F2, तो इसमें हमारे पास जो कहना ब्लैक हमारे पास हर एक ब्लैक जो कहना चार चार गिमीट पैदा करता है उसको जब हमने क्रॉस कर लिया तो F2 में ब्लैक हमारे पास आते हैं 9, ब्राउन या चॉकलेट आते हैं हमारे पास 3 और येलो हमारे पास जो कहना 4 आ गए। अब देखिए ब्लैक के अंदर कैपिटल बी होमोजाइगस या हेटरोजाइगस कंडीशन में है और साथ जो कहना येलो जीन हमारे पास जो कहना इसका एक डोमिनेंट एलील लाजमी मौजूद है तो ब्लैक बन रहा है। ब्राउन जो बन रहा है इसमें जो कहना ब्राउन येलो जीन हमारे पास जो कहना ब्लैक जीन के रिसेसिव एलील मौजूद है, साथ हमारे पास येलो जीन का एक होमोजाइगस एक हमारे पास जो कहना डोमिनेंट एलील मौजूद है, तो हमारे पास जो कहना क्या बन गया, हमारे पास बन रहा है चॉकलेट कलर, लेकिन हमारे पास जो येलो है येलो उस वक्त पैदा हो रहा है जब हमारे पास येलो जीन के रिसेसिव एलील आ गए, दो रिसेसिव एलील आ गए, तो हमारे पास जब दो रिसेसिव एलील आ गया तो वो हमारे पास जो कहना जो ब्लैक जीन है उसके ख्वाह वो डोमिनेंट एलील है जो ब्लैक कलर पैदा करते हैं उसको भी एपिस्टेटिक बना लेता है, या उसके रिसेसिव एलील है जो चॉकलेट कलर पैदा करता है उसको भी रिसेसिव बना लेता है, तो दोनों कंडीशन में जब हमारे पास येलो जीन के स्मॉल रिसेसिव एलील आ जाते हैं तो वो हमारे पास उसके लिए एपिस्टेटिक होते हैं, उसको फिर एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा होता है, तो तब जाके हमारे पास जो कहना येलो कोट कलर बन जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एपिस्टेसिस है। एपिस्टेसिस और डोमिनेंस, डोमिनेंस में ये होता है कि वहाँ पर भी एक डोमिनेंट एलील एक रिसेसिव एलील वो एक एक्सप्रेस हो जाता है दूसरा एक्सप्रेस नहीं हो रहा, यहाँ पर भी अगर हम देखें एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है दूसरा जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो हमारे पास डोमिनेंस और एपिस्टेसिस में फ़र्क क्या होता है। डोमिनेंस हमेशा सिंगल पेयर ऑफ एलील इन्वॉल्व होते हैं और हमारे पास एपिस्टेसिस में टू पेयर ऑफ एलील या आप कह सकते हैं दो जीन्स के एलील्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर एक ही जीन के एलील्स इन्वॉल्व होते हैं।
ए जीन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओन एलील, एक जीन अपनी एलील जो उसी सेम लोकस के ऊपर मौजूद है उसके एक्सप्रेशन को क्या कर लेता है, सप्रेस कर लेता है, रोक लेता है। लेकिन एपिस्टेसिस में एक जीन हमारे पास जो कहना दूसरे जीन के एलील को सप्रेस कर रहा होता है, उसके एक्सप्रेशन को रोक रहा होता है, और वो दूसरा जीन जो कहना दूसरे लोकस के ऊपर मौजूद होता है। ओनली रिसेसिव एलील आर सप्रेस्ड, हमेशा रिसेसिव एलील सप्रेस हो जाते हैं, डोमिनेंट एक्सप्रेस हो जाता है, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता, डोमिनेंट रिसेसिव को सप्रेस कर रहा होता है। लेकिन एपिस्टेसिस में ये होता है कि डोमिनेंट भी सप्रेस हो जाते हैं, रिसेसिव भी सप्रेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल बी डोमिनेंट एलील है, लेकिन साथ हमारे पास जो येलो जीन के रिसेसिव एलील स्मॉल ई और स्मॉल ई आ गए तो वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे। बिल्कुल इस तरह स्मॉल बी रिसेसिव एलील है, लेकिन साथ हमारे पास येलो जीन के जब रिसेसिव एलील आ गए तो वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे। तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील सप्रेस हो सकते हैं। द इफेक्ट इज ओनली ड्यू टू डोमिनेंट एलील, और हमारे पास जो करेक्टर पैदा होता है डोमिनेंट एलील की वजह से पैदा हो जाता है, रिसेसिव एलील की वजह से वो पैदा नहीं होता। मतलब कि डोमिनेंट एलील हमेशा एक्सप्रेस होगा, करेक्टर पैदा करेगा, रिसेसिव पैदा नहीं करेगा। लेकिन एपिस्टेसिस में बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील कैन बी एपिस्टेटिक, किसी जीन के डोमिनेंट एलील भी किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं, और किसी जीन के रिसेसिव एलील भी जो कहना दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। लेब्राडोर रिट्रीवर की जो हमने एग्जांपल ले ली, वहाँ पर जो येलो जीन है उसके डोमिनेंट एलील एपिस्टेटिक नहीं है, उसके रिसेसिव एलील स्मॉल ई और स्मॉल ई जब आ जाता है, रिसेसिव एलील आ जाते हैं, तो तब जाके ब्लैक जीन कैपिटल बी या इसके अलावा जिसको हम जो कहना चॉकलेट जीन भी बोलते हैं स्मॉल बी, वो जो कहना दोनों जो कहना क्या हो जाते हैं सप्रेस। तो एपिस्टेसिस रिसेसिव एलील की वजह से भी हो सकता है, डोमिनेंट एलील की वजह से भी हो सकता है। डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ जो कहना किस वजह से होता है, डोमिनेंट एलील करेक्टर पैदा करता है, रिसेसिव करेक्टर पैदा नहीं कर सकता। और आखिर में हमारे पास है रिलेशनशिप ऑफ एपिस्टेसिस विद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एपिस्टेसिस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एपिस्टेसिस में एक सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी है कि हमारे पास जो एक ट्रेट पैदा हो रहा होता है या एक ट्रेट के पैदा करने में एक से ज़्यादा जीन का रोल होता है। एपिस्टेसिस में अगर हम देखें एक जीन के एक्सप्रेशन को दूसरा जीन कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब कि एक जीन जो एक करेक्टर पैदा कर रहा होगा उसमें जो कहना दो जीन्स का जो कहना क्या होता है रोल होता है। तो बिल्कुल इस तरह अगर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को भी देखें, वहाँ पर हमारे पास जो ट्रेट पैदा होता है बहुत सारे जीन्स की इफेक्ट की वजह से पैदा होता है। एपिस्टेसिस में एक जीन की जो एक्सप्रेशन होती है वो दूसरे जीन जो कहना है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। पॉलीजेनिक ट्रेट में भी वो जो ट्रेट पैदा होता है तो एपिस्टेसिस में भी दो जीन इन्वॉल्व होते हैं, पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं, तो ये उसकी सिमिलरिटी है। लेकिन दोनों के दरमियान हमारे पास जो सिर्फ जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि हमारे पास जो एपिस्टेसिस ट्रेट होते हैं वो कंटिन्यूस वेरिएशन शो करते हैं, जबकि पॉलीजेनिक हमारे पास जो एपिस्टेटिक हमारे पास जो ट्रेट होते हैं वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन करते हैं, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक ट्रेट जो होते हैं वो कंटिन्यूस वेरिएशन शो करते हैं। हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएशन उन करेक्टर्स के अंदर होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फिनोटाइप्स होते हैं और वो कंटिन्यूसली वेरी करते हैं। अगर हम जो कहना कंटिन्यूस वेरिएशन या वो करेक्टर ले लें जिसको के अंदर कंटिन्यूस वेरिएशन होती है, तो उसको अगर हम ग्राफ बना लें तो उस ग्राफ को अगर आप देखें वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। अब एपिस्टेसिस के अंदर हमारे पास जो एपिस्टेसिस की वजह से जो करेक्टर पैदा होते हैं उसके अंदर फिनोटाइप्स होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फिनोटाइप नहीं होते, तो इस वजह से उसके अंदर कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं होती, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती है। लेकिन हमारे पास जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फिनोटाइप्स होने की वजह से वो जो हमारे पास जो ट्रेट होते हैं वो करेक्टरिस्टिक जो कहने क्या होते हैं वो जो कहना कंटिन्यूस वेरिएशन शो करते हैं। एपिस्टेटिक जो करेक्टरिस्टिक है एपिस्टेसिस की वजह से जो करेक्टर पैदा हो रहे हैं उसके अंदर चंद एक फिनोटाइप होते हैं। अगर हम किसी एपिस्टेटिक करेक्टर का हम जो कहना किसी पॉपुलेशन से हम डेटा ले लें, उस डेटा को ग्राफ के ऊपर शो कर लें, तो उस ग्राफ से हमें मालूम होगा कि वो वेरिएशन चेंजेस उसके अंदर आई शो होगी लेकिन वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं करेगा। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फॉर एग्जांपल हम हाइट ले लें, स्किन कलर ले लें, उसका डेटा किसी पॉपुलेशन से ले लें और पॉपुलेशन और डेटा को हम ग्राफ के ऊपर शो कर लें, तो उस ग्राफ के अंदर आपको कंटिन्यूसली वेरिएशन जो कहना शो होगी। तो एपिस्टेसिस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये फ़र्क है कि एपिस्टेसिस के अंदर जो ट्रेट्स होते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन शो करते हैं, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो ट्रेट्स होते हैं वो कंटिन्यूस वेरिएशन शो करते हैं। इट्स ऑल अबाउट एपिस्टेसिस, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।
अगर आपको समझ नहीं आए, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन आए, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू।